तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें क्रिएट करनी है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने अपने पेजेस कैसे क्रिएट करने हैं और अपने मेन्यूज़ को एडजस्ट कैसे करना है। तो आज की इस वीडियो में हम तीन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि हमने अपनी पोस्ट को कैसे क्रिएट करना है और उसको पब्लिश कैसे करना है। नेक्स्ट चीज़, हमने अपनी कैटेगरीज कैसे डिफ़ाइन करनी है और उन कैटेगरीज में हमने क्या क्या काम करना है। थर्ड पार्ट के हमने अपनी सब कैटेगरीज को कैसे बनाना है और अपनी पोस्ट को जो हम पोस्ट करेंगे उनको पब्लिश करेंगे उसको किन किन कैटेगरीज में हम पोस्ट करेंगे और वो कैसे कैसे पोस्ट होंगी। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पर आ जाना। यहाँ पर आने के बाद आपको पता है कि आपने अपनी दोनों लैंग्वेजेस को स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद आपने इसे मिनिमाइज़ कर देना है। मिनिमाइज़ करने के बाद आपने अपने ब्राउज़र में आ जाना है। ब्राउज़र में आने के बाद ये हमारी वेबसाइट है, हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने पासवर्ड देना है। जब ये लॉगिन हो जाएगा फिर आप अपने यहाँ पर डैशबोर्ड पे आ गए हैं। यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट भी ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी पोस्ट को क्रिएट करना है। पोस्ट को क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पर इस पोस्ट वाले बटन पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर ऑल पोस्ट होगा। ऑल पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी पोस्ट के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम अपनी पोस्ट को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। तो आपने अपनी क्रिएट पोस्ट करनी है, जिस तरह हमने पूरा आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल आपने कंप्लीट लिखना है। सबसे पहले आपने अपने आर्टिकल का टाइटल देना है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको किसी भी वेबसाइट को ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आर्टिकल आपके सामने आ गया, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसका टाइटल कॉपी कर लेंगे। आपने अपना न्यू क्रिएट करना है जो आपके आर्टिकल का टाइटल होगा। हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर टाइटल अपना क्रिएट करेंगे। टाइटल क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपने अपने आर्टिकल की इन्फॉर्मेशन लिखनी है। तो हम यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर अपने कंप्लीट आर्टिकल की लिख लिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने आर्टिकल में कोई पिक्चर को ऐड करना है। तो वो आप कैसे करेंगे, आप यहाँ प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखें, आप अपना कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, आप कोई हेडिंग देना चाहते हैं, कोई लिस्ट न्यू से क्रिएट करना चाहते हैं, या कोई आप इमेज लगाना चाहते हैं, या कोई गैलरी क्रिएट करना चाहते हैं, तो या कोई या जो कुछ आप करना चाहें वो इसमें से कर सकते हैं। हम यहाँ पर इमेज लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। वो कह रहा है कि आपने कोई इमेज अपलोड करनी है, तो यहाँ अपलोड पर क्लिक करेंगे, आपके कंप्यूटर पर सामने ले आएगा। आपने कोई भी इमेज को क्रिएट कर लेना है। मैं कौन सी क्रिएट करता हूँ, मैं ये वाली इमेज को यहाँ पर ओपन करता हूँ। यहाँ पर इमेज हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, इमेज आने के बाद आप फिर दोबारा से टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस का साइन आ गया, यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट को फिर से लिख सकते हैं। इमेज को ऊपर भी लिख सकते, ऐड कर सकते हैं, नीचे भी ऐड कर सकते हैं, और टेक्स्ट को भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे हम, यहाँ पर अपनी दोबारा लिख लेते हैं। तो आप यहाँ पर ऐसे डालेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जब आपने अपना पूरा आर्टिकल कंप्लीट, उसमें एक पिक्चर आए, 10 पिक्चर आए, जितना टेक्स्ट मर्जी आए, आपने अपने पूरे आर्टिकल को एक कंप्लीट कर देना है। कंप्लीट करने के बाद आपने यहाँ से ये नज़र आ रहा है आपको, इसको आपने क्या कर देना है, पब्लिश। ये पब्लिश करेंगे तो ये आर्टिकल आपका पब्लिश हो चुका है। जब हम यहाँ बैक पे जाएंगे, बैक पे जाने के बाद जब आप इसको ऐसे रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने ये देखें, ये पब्लिश आर्टिकल आ चुका है। आप इसको क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, क्विक एडिट भी कर सकते हैं, जो कुछ करना चाहें इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल आपके सामने आ चुका है। जैसे हमारी ये वेबसाइट है, हम इसको अब रिफ्रेश करते हैं तो ये आर्टिकल हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, ये पहले आर्टिकल मैंने बनाया हुआ था, तो ये आर्टिकल यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। ये आर्टिकल बाय डिफ़ॉल्ट आपके सामने यहीं पर ही आएगा। अब हम इसको कैटेगराइज करेंगे कि इसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किस किस जगह पर लेके जाएंगे। कि ये आर्टिकल आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको पिक्चर नहीं नज़र आ रही। अब हमने अपने आर्टिकल में पिक्चर भी ऐड करनी है, तो वो कैसे ऐड करेंगे, तो हम अपनी वेबसाइट पर चले जाएँगे, हम इसको करेंगे एडिट। ठीक है, अब हमने इसी के अंदर ही ऐड करनी थी, आप पहले भी कर सकते थे। ये पिक्चर है आपके आर्टिकल के अंदर, जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। जब आप इस आर्टिकल को ओपन करेंगे तो ये देखें, ये पूरा आर्टिकल आपके सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, ये सारा आर्टिकल। अब हम यहाँ पर से बैक आ जाते हैं, तो इस यहाँ पर हमने पिक्चर को शो करवाना है। तो पिक्चर को शो करवाने के लिए हम यहाँ पर आएंगे, ये आपका आर्टिकल ओपन है, आप उसी टाइम भी कर लेना चाहे। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर नज़र आएगा फीचर इमेज, या नीचे आएंगे थोड़ा सा, यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, फीचर इमेज। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सेट फीचर इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है कि ये पिक्चर आपके पास अपलोड है, आप ये करना चाहते हैं या अपलोड फाइल। मैं अपलोड फाइल पे क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट फाइल पे हम अपने कंप्यूटर के अंदर चले जाएंगे तो आप कोई भी पिक्चर को उठा सकते हैं। मैंने इस पिक्चर को क्लिक किया, ओपन किया, ये पिक्चर मेरे सामने आ गई, मैंने इसको कर दिया सेट फीचर इमेज।
इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको अपडेट, जब अपडेट करूँगा तो आप अपनी पोस्ट को यहाँ पर से जब दोबारा से रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें, ये पिक्चर आपके सामने आ गई है। जब ये पिक्चर आपके सामने आ गई है तो नीचे देखें, ये देखें, अब इसको आप ओपन करेंगे तो ये पिक्चर भी आपकी लिंक बन चुकी है और ये टेक्स्ट भी आपका लिंक बन चुका है। तो हमने कैटेगरीज कैसे डिफाइन करनी है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपने अपनी कैटेगरीज को कैसे क्रिएट करना है, आप पोस्ट के ऊपर जाएंगे, पोस्ट में ये नीचे लिखा हुआ है थर्ड नंबर पे कैटेगरीज, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। हमने अपनी कैटेगरीज डिफ़ाइन करनी है, कैटेगरीज अगर आपने डिफ़ाइन करनी है तो आप कैसे कैसे कैटेगरीज को डिफ़ाइन करेंगे, तो सबसे पहले मैं कैटेगरीज लिख देता हूँ। सबसे पहले हमारी क्या होती है, होम स्लज, अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्लज में आपने क्या चीज़ ऐड करनी है। स्लज में आप जब कोई पर्सन किसी भी आपकी होम के ऊपर क्लिक करेगा तो जब उसके सामने जो चीज़ खुलेगी तो ऊपर इस जगह पे ये जो चीज़ होती है यहाँ पर जो लिंक होगा उसको हम स्लज बोलते हैं। इसको आप अपनी मर्जी से भी क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो ये ऑटो क्रिएट कर देगा, और उसके अंदर आप नॉर्मल सी छोटी मोटी कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने ऐड न्यू कैटेगरीज पर क्लिक करना है तो आपकी कैटेगरी यहाँ पर क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। तो मैं दो चार कैटेगरीज क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपकी कैटेगरीज बन गई है, मैंने ये काफ़ी सारी कैटेगरीज बना दी हैं, ठीक है। आपने अब क्या करना है, अपने यहाँ पर कैटेगरीज बनाने के बाद आपने अपने मेन्यूज़ में आ जाना है या पेरेंट्स में जाके यहाँ मेन्यूज़ में आ जाएंगे। जब आप मेन्यूज़ पे ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, जब आप अपने मेन्यूज़ में आ जाएंगे तो यहाँ पर ये पेजेस हैं, ये आपकी पोस्ट होंगी, ये आपके कस्टम लिंक होंगे, और ये कैटेगरीज, ये ऑप्शन जो आ रहा है ना आपके पास कैटेगरीज का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल करेंगे, ऐड टू मेन्यू करेंगे तो ये सारी कैटेगरीज आपकी यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो फिर आप इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी मर्जी से क्या कर सकेंगे, सेट कर सकेंगे, ठीक है जी। या ये देखें, ये आपके सामने क्या शो हो गया है, ये मैंने आप मेन्यूज़ ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेट कर लिया। आपने यहाँ पर क्या करना है, सेव मेन्यू पे क्लिक करना है। सेव मेन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे, अपनी वेबसाइट में जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये सारे मेन्यूज़ आपके पास शो हो जाएंगे। ये हमारे सामने जो शो हो रहा है, ये हम एडमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये दोनों आर्टिकल जो मैंने लिखे हैं, पोस्ट की हैं, ये एडमिशन कैटेगरीज में शो हो रही हैं। ये कैटेगरीज आपकी यहाँ भी शो होंगी, जब एडमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे तब ये आर्टिकल शो होंगे और ये रेड कलर का साइन भी आ जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने अब अपनी पोस्ट को अपनी मर्जी की कैटेगरी में डिफाइन करना है, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अकेडमीज़ के अंदर अपनी कैटेगरी को डिफ़ाइन करते हैं। हमने जो अपनी न्यू पोस्ट की है ना, जैसे हम यहाँ पर अपनी पोस्ट के अंदर चले जाते हैं, ये हमारे पास ऑल पोस्ट आ जाएंगी। हम चाहते हैं कि ये वाली पोस्ट हमारी कौन सी कैटेगरी में डिफ़ाइन हो रही है, एडमिशन में। हम अपनी मर्जी की कैटेगरी के अंदर इसको क्या करना चाहते हैं, डिफ़ाइन। तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, एडिट। एडिट करने के बाद यहाँ पर जब आप अपने आर्टिकल को लिख रहे होंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये सारी कैटेगरीज आ रही हैं, तो जिस कैटेगरी में आप अपने आर्टिकल को लिखना चाहते हैं उस कैटेगरी के अंदर आपका आर्टिकल चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर अकेडमीज़ के अंदर लेके जाना चाहता हूँ, अगर आप दो के अंदर शो करवाना चाहते हैं तो दोनों के अंदर शो हो जाएगा। मैं एडमिशन के अंदर से ख़त्म कर देता हूँ, सिर्फ अकेडमीज़ के अंदर इसको ऐड रखता हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ अपडेट, जब ये अपडेट हो जाएगा तो हम यहाँ अपनी वेबसाइट में जाएंगे, इसको हम रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद ये जो पोस्ट है ये हमारी अकेडमी के अंदर शो हो रही है, और जो एडमिशन के अंदर हमारी पोस्ट थी ये देखिए यहाँ पर आपकी एक पोस्ट शो हो रही है, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने अपनी सब कैटेगरी को डिफाइन करना है। सब कैटेगरी को आपने डिफाइन करना है तो आप यहाँ पर आ जाएंगे अपने डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आने के बाद आपने क्या करना है, अपनी कैटेगरीज, न्यू एक कैटेगरी क्रिएट करनी है। जैसे हम यहाँ पर इस कैटेगरी में आ जाते हैं, मैं इस कैटेगरी को यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर कैटेगरी को क्लिक करने के बाद मेरे पास एडमिशन की कैटेगरी है, ठीक है। हमने इस कैटेगरी के अंदर हमने क्या करना है, एक और सब कैटेगरी को ऐड करना है। तो आप कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर एडमिशन की जैसे ट्यूशन फ़ी हो गई और हम यहाँ पर लिख देंगे स्कूल फ़ी, ठीक है। ये स्कूल फ़ी आ गया, ये हमारी सब कैटेगरी क्रिएट हो गई। यहाँ पर आप स्लज लिखना चाहें तो ठीक, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है पेरेंट कैटेगरी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपनी एडमिशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये आपकी एक कैटेगरी थी एडमिशन की, तो उसके अंदर स्कूल फ़ी की एक और सब कैटेगरी आ जाएगी। ऐड न्यू कैटेगरी करेंगे तो यहाँ पर कैटेगरी क्रिएट हो गई। ये देखें ये साइन आ गया, जो ये आपके पास छोटी सी लाइन नज़र आ रही है, ये देखें ये अब इसकी दो क्रिएट हो गए, पहले से क्रिएट थी, अब मैंने आपको दूसरी क्रिएट करके दिखा दी। यहाँ पर आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी सब कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी। हम अपनी वेबसाइट में आकर देख लेते हैं, इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ कैंपस में आएंगे। कैंपस में आने के बाद यहाँ पर अभी आपके पास शो नहीं होगी, तो क्यों शो नहीं होगी, सब लोग ये गलती करेंगे। आप लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद अपने मेन्यूज़ में जाएंगे,
पेरेंट्स मेन्यूज़ में जाएंगे। मेन्यूज़ में जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर कैटेगरी के अंदर आना है। कैटेगरी के अंदर व्यू ऑल पे जाएंगे तो ये देखें, ये स्कूल फी है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, इसको करेंगे ऐड टू मेन्यू। जब ऐड टू मेन्यू करेंगे, ये स्कूल फी यहाँ पर आ गया, इसको आप उठाएंगे, उठाने के बाद ये बिल्कुल इसके साथ क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा आ रहा है सब आइटम, ये एडमिशन का सब आइटम हो जाएगा। जब आप इसको सेव मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर आपकी वेबसाइट में शो होगा। यहाँ पर जाने के बाद जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने सब कैटेगरीज शो हो जाएंगी। कैसे, यहाँ पर ये देखें, ये आपके सामने दोनों कैटेगरीज शो हो गए हैं। ट्यूशन फी के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर भी कोई आर्टिकल नहीं है, वो कह रहा है नथिंग फाउंड, ना आपकी कैटेगरी डिफाइन है यहाँ पर इसके अंदर, और इसके अंदर कोई आर्टिकल भी नहीं है आपका। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।